Hello everyone, welcome back to The Reactionist, and this is Vidhan, and today we are going to react on the official trailer of Dear Father. Intro chalu karna. Okay guys, bindaas intro dekh liya. Abhi chaliye hum is movie ke bare mein baat karenge. This is basically a Gujarati movie which is named as Dear Father, jiske lead hai Paresh Rawal, aur isko leke main zyada baat nahi karne wala. पहले आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ट्रेलर में कौन कौन है, क्या क्या है और इसका एक्चुअली यू नो एसेंस क्या है. आई रियली डोंट नो वेदर ये कॉमेडी मूवी है या ड्रामा है या कुछ भी. बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम में एंड मेनी अदर प्लेसेस, बट मैंने नोटिस नहीं किया. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर, उसके बाद रिएक्शन देते हैं या फिर रिव्यू देते हैं. राइट, सो स्टिक विद इट. बाबूराव लग रहा है. गुजराती ગુજરાતી પ્લે ક્યાં હોય. સાતમી ઓગસ્ટે તમારા ઘરમાં જે ઘટના ઘટી હતી એના વિશે મારે થોડા સવાલો પૂછવા. તમે તો એકદમ તો એકદમ શું થોડું સ્ટ્રેન્જ લાગશે, બટ તમે અંદર મારા સસરા જેવા લાગો છો. જેના દુઃખ સરખા એના દેખાવે સરખા. અચ્છા, ઉનકી વાઇફ ને ઇસ મૂવી કો પ્રોડ્યુસ કિયા. ટ્રીટમેન્ટ જે કે એ દિવસે તો આ ઘરમાં બહુ મોટી ગડબડ થયેલી. સિવિલ કેસ છે, આમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કે હા શરૂઆતમાં નવાઈ લાગશે. ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂરું થઈ ગયા પછી પેશાબ લાગશે. સ્ટ્રેટ પોઈન્ટ ઉપર આવી રિસોર્ટ નો ઝઘડા પછી શું થયું. અમે રિસોર્ટ માં એટલા માટે ગયા હતા સો ધેટ અમારા વચ્ચે જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ડિસ્કસ કરીને એનો સોલ્યુશન આવી જાય. પછી આવ્યું સોલ્યુશન. તમારા ફાધર નો મર્ડર નો પ્રયત્ન થયો. અચ્છા, એસમે લગતા એસા કહા ગયા કે ધેર વોઝ એન અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર ઓન યોર ફાધર. એસા કુછ હે, બાપ કો મારને કી કોશિશ કી ગઈ હે. ओके गाइस, ट्रेलर देखा और सीरियसली मैंने ये सोचा था कि यू नो ये एक मिसकंसेप्शन है मेरी और या फिर बहुत लोगों की होती भी है. यू नो मैंने देखा कि परेश रावल जी इस मूवी में लीड करने वाले हैं तो मुझे लगा कि शायद कॉमेडी मूवी होगी या फिर कुछ थोड़ा बहुत. यू नो इनिशियली जब वो ट्रेलर मैं देख रहा था तो ऐसा मुझे लगा कि कॉमेडी मूवी होगी और कहीं पर भी यू नो किसी ने टैग किया था कि शायद ये कॉमेडी मूवी है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. ये बेसिकली कॉमेडी ड्रामा आप कह सकते हैं इसको और इट फोकसेस मोर ऑन द साइड ऑफ यू नो वो ड्रामा की तरफ ज़्यादा फोकस हो रही है. सॉरी, मैं थोड़ा गलत चला गया व्हाट आई वाज एक्चुअली सेइंग. तो अगर इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत देखा जाए, जो स्टोरी या स्क्रीन प्ले का जो आइडिया मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये यू नो वही सेम वो चीज़ है कि आजकल के ज़माने में जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को वक्त नहीं दे पाते हैं या फिर कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं. गाइस, आई नो कि इट्स यू नो ये कभी कभी इस बात को विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को मानने की कोशिश करते हैं. और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ कि ये अजीब बात है ऑब्वियसली, लेकिन मैं आए दिन ये खबर पढ़ते रहता हूँ कि किसी ने गला काट दिया या फिर कुछ. गाइस, चलिए नेगेटिव न्यूज़ की तरफ नहीं जाते, लेकिन उसी वाइब को मतलब उसी एसेंस को इस मूवी में थोड़ा बहुत लिया है कि यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है कि पहले शायद द फादर ऑफ दोज टू कपल आई मीन लाइक दैट कपल एक्चुअली अटेम्प्टेड सुइसाइड. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने पापा से छुटकारा पाने के लिए उनको धक्का दे दिया हो या फिर ऐसा कुछ. राइट, जो शायद मूवी के एंड में पता लगेगा. और जो कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर है वो जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि वो परेश रावल यू नो द फादर वो एक्चुअली अटेम्प्टेड सुइसाइड या फिर जिसने मर्डर जिनका मर्डर हुआ है उनकी तरह दिखते हैं. शायद वो प्ले में जब ये प्ले हुआ था एक्चुअली जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है उसमें परेश रावल जी ने या फिर जो मेन लीड है उन्होंने दोनों ही रोल किए होंगे. राइट, तो ये रेफरेंस यहाँ पे ऐसा मिलता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि
कि बिल्कुल यू नो डुप्लीकेट है, जैसे मूवी में बताया गया कि आप इन्होंने उस लड़की ने कहा कि आप मेरे पापा जैसे दिखते हो, बट ऐसा नहीं है कि डबल रोल है, मतलब थिएटर में ऐसा होता रहता है गाइस। आपने शायद कभी आप कोई प्ले या थिएटर देखने गए होंगे तो एक ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक ही बंदा चार पांच कैरेक्टर करता है, तो वो घूम के बैक स्टेज से वापस आता है मेकअप वगैरह करके, तो वैसा ही कुछ है। तो जरा इस मूवी के कास्ट के बारे में बताएं, छोटे मोटे कुछ फैक्ट्स हैं इस मूवी के बारे में, जरा बात कर लेते हैं। तो बात पहली बार ये है कि करीबन 40 साल बाद परेश रावल जी गुजराती सिनेमा या फिर मूवीज में री एंटर कर रहे हैं। यू नो द लास्ट मूवी विच ही डिड वाज एक्चुअली हिज डेब्यू मूवी, दैट वाज इन 1982 एंड द नेम ऑफ दिट मूवी वाज नसीब नी बलिहारी। तो आज 40 साल बाद वो फिर कम बैक कर रहे हैं गुजराती सिनेमा में, एंड ही लुक्स डैम गुड एंड कॉन्फिडेंट। ही ऑलवेज हैड बीन अ कॉन्फिडेंट एक्टर, यू नो अगर हेरा फेरी में बाबू राव गणपत राव आपटे वाला रोल अगर कह लें, या फिर और बहुत छोटे मोटे ऐसे मूवीज हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं जो हम मेंशन नहीं करते आजकल, हम हमेशा बड़े मूवीज पे फोकस करते हैं। जैसे है तमन्ना, आई एम श्योर दैट यू हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस मूवी, या आप बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी ये मूवीज, या बहुत लोग मुझसे रिलेट भी करते हैं जब मैंने इस मूवी के नाम को लिया। और कुछ और ऐसे मूवीज है जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं, आक्रोश, फिराक एंड रोड टू संगम। गाइस ये कुछ छोटे मोटे मूवीज नहीं है, हम यू नो ऐसे होता है कि नॉर्मली हम लोग कमर्शियल मूवीज की तरफ फोकस करते हैं, और ये अर्ली 2000 से लेके 2006-7-8 तक ऐसे बहुत सारे मूवीज आए हैं जिन जिनमें परेश रावल जी ने काफी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो शायद उनको सिनेमा में पहले कभी नहीं मिला। वो शायद प्ले में एक वर्सटाइल वेटरन है, एक लेजेंड है प्ले में, मैंने काफी बार सुना है काफी। उनके जो जूनियर्स हैं जो अभी दे आर कॉल्ड स्टॉलवर्ट्स ऑफ द सिनेमा वर्ल्ड, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि परेश रावल एक महान एक्टर है व्हेन इट कम्स टू गुजराती प्ले और हिंदी प्ले और इंग्लिश प्ले, वट एवर यू नेम इट। तो उनके दोस्त भी जैसे लेट ओम पुरी जी और नसीरुद्दीन शाह जी, ये सब लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके बारे में। तो अगर इस मूवी के कास्ट के बारे में अगर हम फिर से वापस आए मूवी की तरफ, तो इस मूवी को बेसिकली डायरेक्ट किया है उमंग व्यास ने, और ये एक गुजराती प्ले के ऊपर बेस्ड है जिनको लिखा है लेट ऑथर उत्तम गड़ाची ने, राइट। तो अगर एक छोटे से कास्ट के बारे में, इसके बारे में अगर जरा बता दें, तो इस मूवी में बेसिकली एज यू नो इसके लीड एक्टर हैं परेश रावल जी, एंड द रोल ऑफ द डॉटर इन लॉ इज प्लेड बाय मानसी पारेख, एंड द सन इज प्लेड बाय चेतन धनानी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है उमंग व्यास ने, और मैंने रतन जैन जी का नाम देखा है एज द प्रोड्यूसर, हु इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर फॉर वीनस, एंड उनकी वाइफ भी शायद इसमें इन्वॉल्व है एज द को प्रोड्यूसर। तो गाइज यू नो जब व्हेन यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड, जब आप इस यू नो इस फ्रेटर्निटी में है, फिल्म मेकिंग में है, सिनेमाज में है, थिएटर्स में है, प्लेज में है, तो ऐसे सारे कॉन्टेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। गाइज ऐसा बहुत बार हुआ है यू नो आज आई एम श्योर दैट हम थोड़ा लेट हो गए डियर फादर के ऊपर यू नो रिएक्ट करने पे, क्योंकि इस बीच इस दौरान यू नो बहुत लोगों ने मुझे अपडेट दिया है इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में कि आप अगर इस पे रिएक्ट ना करो तो भी चलेगा, यू नो बहुत छोटी मोटी मूवी है। मैंने फिर जैसा होता है जैसे रिएक्शनिस्ट हम दी रिएक्शनिस्ट जैसे करते हैं, मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने सोचा कि ये कंटेंट अच्छा हो सकता है, ये ट्रेलर अच्छा हो सकता है। मैं जिस चीज़ पे भरोसा करता हूँ आई एम श्योर कि दूसरे पब्लिक भी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ट्रेलर्स पे विश्वास करते हों या फिर चाहते हों कि ऐसे कंटेंट भी सामने आए। तो ऑब्वियसली मैं हाइप चीज़ों पे नहीं जाता हूँ हर बार, मैं इस पे भी फोकस करता हूँ कि कंटेंट अच्छा हो, फिल्म मेकिंग अच्छी हो, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, सब कुछ इन्वॉल्व होनी चाहिए एक मूवी में, देन इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड फिल्म। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि ये जो प्ले है क्या इतना इंपॉर्टेंस है इस प्ले का जो इसको मूवी में बनाना पड़ा। शायद ऑब्वियसली यू नो परेश रावल जैसे एक्टर अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो आई वुड लाइक टू नो कि इसमें स्पेशल क्या है। सो देखते हैं आगे जाके ये मूवी क्या गुल खिलाती है थिएटर्स में। 4 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में, तो देख लेते हैं कि ये मूवी क्या गुल खिलाती है। अगर इसका ट्रेलर जो मैंने देखा है वैसे ही पावरफुल इसकी मूवी ये पूरी पिक्चर होगी तो मज़ा आ जाएगा गाइस। इसके ऐसे स्टोरी टेलिंग को अगर हम लोग अप्रिशिएट कर पाए विदाउट एनी ए लिस्ट एक्टर, वेर इन यू नो दीज एक्टर्स आर सपोज टू बी कॉल्ड एज ए लिस्ट एक्टर्स, तो काफ़ी अच्छी बात होगी वर्ल्ड सिनेमा के लिए और इंडियन सिनेमा के लिए। एंड बाय सेइंग दिस आई विल टेक ए लीव, और हम फिर वापस आएंगे
मैं या फिर हम दोनों एक साथ या फिर सिर्फ प्रभाष या कुछ भी, बट वी विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू एंटरटेन यू एंड प्रोड्यूस समथिंग न्यू इन फ्रंट ऑफ यू. और ये कहते हुए आई विल टेक अ लीव एंड वी विल मीट सून एंड कीप लाइकिंग अस, सब्सक्राइबिंग अस एंड शेयरिंग योर कमेंट्स एंड योर थॉट्स एंड वी विल बी मोर देन ग्लैड टू असिस्ट यू एंड यू नो एंड एंटरटेन यू थ्रू आउट. ये कहते हुए आई से गुड बाय, वी विल मीट अगेन, सी या.